सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला नहीं, ये मामला है सारे हिंदुस्तान का। क्या हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान बनेगा या सेकुलर हिंदुस्तान बनेगा? अगर आज ये लोग निकले हैं, ये सेकुलर हिंदुस्तान को के लिए निकले हैं कि वहाँ पे मुसलमान बच सके, हिंदू बच सके, सिख बच सके, ईसाई और बौद्ध बच सके, ये इलेक्शन उसके लिए भी है। क्या हम लोग ये जो कट्टरपंथी हैं इनका मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इसलिए है ये तो ऐसे में कौन है दिखाई हुआ या क्या हुआ? मैं समझता हूँ ये लोगों का एक जागृति आ गई है, लोग सोच आ गई कि हम अगर वोट नहीं देंगे तो हम अपनी किस्मत बदला नहीं सकते। इस वोट के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम ने बहुत तकलीफें उठाई है, 45 में उन्होंने किसी क्या खाई मोहम्मद जय। हम लोग तकदीर बदला सकते हैं सारे, न सिर्फ अपनी बल्कि सारे वतन की तकदीर बदला सकते। एक तो पब्लिसिटी नेगेटिव थी, फिर आप देखिए इसी सरकार जो दिल्ली है इसके गवर्नर ने, एक रियासत में गवर्नर थे, उनका बयान देखिए, वो हमारे हक में तो नहीं था, कट्टरपंथी है वो, आरएसएस का आदमी है, था कश्मीर मत जाओ, अमरनाथ यात्रा के लिए मत जाओ, कुछ खरीदो मत, ये तो उनकी सोच कट्टरपंथी। मगर याद रखिए इनसे बड़ा खुदा है, वही रजाक का, वो रिजिक पहुँचाएगा, ये बंद नहीं कर सकते। यहाँ लोग आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, ऐसी जन्नत मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी दुनिया में, मैं दुनिया में घूमा हूँ मगर कश्मीर जैसी जन्नत मैंने नहीं देखी। आप ये जानते हैं ये हुकूमत किसकी है? गवर्नर जो बैठा है तो बीजेपी का गवर्नर है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का गवर्नर नहीं है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन उसको पता भी नहीं होता कि दिल्ली से ऑर्डर आता है कि सड़क बंद करो दो दिन, और राजनाथ सिंह ने तो साबित कर दिया कि उनका ऑर्डर, और आज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्हें भी बयान दिया। इन्हें ये याद रखना चाहिए हम इनके गुलाम नहीं हैं, अगर ये अपनी गुलामी हम पे ठोकना चाहते हैं तो फिर तैयार रहें, जो यहाँ पे फिर होगा उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।